नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात वीर सिंह के साथ। दोस्तों, करोड़ों रुपए का शासन को राजस्व का नुकसान हुआ है। चंद्रपुर जिले में लगभग 21 घाटों का नीलामी हुआ है। रात दिन तीन तीन बड़े मशीनों द्वारा नदी घाटों पर रेत का उत्खनन शुरू है। सूत्र बताते हैं कि चंद्रपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के मौखिक आदेश की वजह से रेत घाट धारक के हौसले बुलंद हैं। 10 अप्रैल रविवार रात लगभग 1:30 बजे हुई घटना ने संपूर्ण जिले का दिल दहला दिया, क्योंकि इसमें एक गरीब व्यक्ति जिसका नाम अमोल है, उसकी मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इस दिल दहलाने वाली घटना के जिम्मेदार पोम्बुरना के तहसीलदार हैं या गोंड पिपरी के तहसीलदार, वह रेत घाट धारक हैं तथा इसके भागीदार। क्या इस घटना के जिम्मेदार लोगों पर गुना दाखिल होगा या नहीं? क्या इस लोकतंत्र में इस गरीब को न्याय मिलेगा या नहीं? क्या इस राज्य के राजस्व पे हो रहे लूट को रोका जाएगा या नहीं? एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस रेत उत्खनन मामले में ना जाने इससे पहले कितनी घटनाएं हुई है राज्य में और ना जाने कितनी घटनाएं होंगी, लेकिन सवाल ये उठता है, अभी जो घटना हुई है उसमें एक गरीब अमोल जिसकी मृत्यु हो गई, आखिर उसे न्याय कैसे मिलेगा? राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है, दो न्याय यदि तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। लेकिन इस अमोल को न्याय नहीं मिल रहा है। हम न्याय की गुहार लगाते हैं और आवाज उठाते हैं। आपको बता दूं कि नदी के दोनों तरफ बड़ी तेजी से रेत उत्खनन का कार्य शुरू है। एक तरफ पोम्बुरना तहसील आता है और दूसरी तरफ गोंड पिपरी तहसील आता है, और दोनों तरफ लगभग 50,000 ब्रास रेत का स्टॉक किया हुआ है, यानी कि उत्खनन बड़े पैमानों पर जोरों से शुरू है। सूत्र बताते हैं कि रेती नीलामी में लगभग 18,000 ब्रास की ही इजाजत है, परंतु शासन की मिलीभगत और लापरवाही के कारण लगभग 3 गुना ज्यादा, यानी कि 50,000 ब्रास से भी अधिक रेत यहाँ स्टॉक है। निश्चितच आम्ही स्टॉक व्हेरीफाई करू आणि त्यांना एवढ्या ब्रासची जी परवानगी आहे त्याच्यापेक्षा अधिक उत्खनन जर झालेलं असेल तर त्यांच्यावर कारवाई होणार। आम्ही तो त्यांचा साठा व्हेरीफाय करणार, त्यांनी आजपर्यंत उचल किती केलेली आहे आणि त्यांचा जो डेपोला स्टॉक किती आहे याची आम्ही शहानिशा करू, निश्चित कारवाई करणार। समय समय पर विभिन्न अखबारों ने इस संबंधित खबरें भी छापी। शासन और प्रशासन को बारंबार इस तरफ ध्यान खींचने की कोशिश भी की गई, लेकिन बावजूद इसके आज तक किसी रेत घाट पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। यदि कोई बड़ी घटना घाट पे हो जाती है तो तहसीलदार व आला अधिकारियों द्वारा तो यही बताया जाता है कि रेत का घाट वैध था, और अगर वैध था तो फिर सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं है? फिर 50,000 ब्रास रेती अवैध स्टॉक कैसे हो सकता है? लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह से राजस्व को लूटने वाले शासन व प्रशासन के आला अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या नहीं? और खास बात तो ये है कि जो जानकारी हम तक मिली है उसके अनुसार पोम्बुरना व गोंड पिपरी पुलिस स्टेशन में हादसे की सूचना तुरंत नहीं दी गई थी। राजस्व को लूटने वालों को प्रशासन बचा रही है, इसलिए मृतक के बारे में यह बताया जा रहा है कि ट्रक द्वारा हादसा होने की झूठी जानकारी शहर पुलिस थाने में दी गई। सांठगांठ कर मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश जारी है, परंतु मामला जब गंभीर होता गया तो रेत घाट धारक व भागीदारों ने रातों रात मशीन को वहां से हटा दिया। बताया जा रहा है कि मशीन किसी जैन नामक व्यक्ति की थी। जैसा कि हमने बताया था कि रेत घाट धारक के भागीदार सचिन कत्याल और उन्हीं से जुड़ा व्यक्ति जो इस घाट में सम्मिलित है, उसने जैन नामक व्यक्ति से मशीन किराए पर लेकर नदी घाट पर चला रहा था। मेरे सहयोगी कैमरामैन अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं वीर सिंह। दोस्तों, जब तक मामले को सही न्याय नहीं दिया जाता तब तक बीसीए न्यूज इस मामले की तरफ नजर बनाए रखा है। जिसकी मृत्यु हुई है उस गरीब अमोल को न्याय मिलना चाहिए। इस राज्य के राजस्व जिसे प्रशासन की साठ गांठ से लूटा जा रहा है, उस राजस्व को भी न्याय मिलना चाहिए और इसके जिम्मेदार समस्त आला अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इंसाफ नहीं मिला है। शायद शासन व प्रशासन का जेब भर दिया गया होगा और इसलिए इंसाफ नहीं मिली है। लेकिन हम सवाल उठाते रहेंगे, हकीकत आप तक लेकर आते रहेंगे, सच से रूबरू कराते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें एनबीसी न्यूज़ पर।